नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर बारा छिपाबड़ो उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीतपुर के समीप करणी घाटी के नाम से पहाड़ी पर बिखरी पड़ी सरकारी अस्पताल की दवाइयों की खेप। ग्राम पंचायत पीतपुर के करणी घाटी पर सरकारी दवाइयों की भारी मात्रा में बिखरी पड़ी होने की जैसे ही सूचना मिली, सूचना पर जैसे ही जाकर देखा तो वहां पर घाटे पर अधिक मात्रा में सरकारी दवाइयां निकली हुई पड़ी थी। जहां राहगीरों एवं बकरियां एवं भैंसे चराने वाले चरवाहे से जानकारी लेने पर बताया गया है कि यह दवाइयां यहां पर 3-4 दिनों से बिखरी पड़ी है और एक बड़ा बॉक्स पड़ा होना बताया जिसे जानवरों ने बिखेर दिया एवं हल्की बरसात होने से दवाइयां पूरी मात्रा में खराब हो चुकी थी। अभी फिलहाल में वहां पर काफी मात्रा में दवाइयां बिखरी पड़ी है जिसकी सूचना छिपाबड़ोद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को दी गई थी, जिस पर छिपाबड़ोद ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर जाकर देखा और जानकारी देते हुए बताया गया है कि दवाइयां तो सरकारी है लेकिन दवाइयां नहीं है। आप देख रहे हैं ये दवाइयाँ जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये सब सरकारी दवाइयाँ हैं जो उप स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए दी जाती है। उसका उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों ने NM GNM द्वारा किस तरीके से इसका उपयोग किया है वो सब आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। यह है छिपाबड़ो तहसील के ग्राम पंचायत पीतपुर और ग्राम पंचायत झंझनी के बीच की करणी के नाम से जो घाटी है, इस घाटी पर 4 दिनों से ये दवाइयां बिखरी पड़ी है। लेकिन जानकारी में सामने आया है कि विभागीय अधिकारियों को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं है, जबकि घाटी से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि ये दवाइयां लगातार 4 दिनों से इसी तरह से यहां पे बिखरी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बुलेटिन न्यूज 12 ब्यूरो चीफ कुलदीप सिंह सिरोहिया। ये छिपाबड़ो तहसील की अभी चलो नंबर आ रहे, ये छिपाबड़ो तहसील के ग्राम पंचायत पीतपुर और झंझनी के बीच की जो करणी घाटी के नाम से है, यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जो गरीबों के लिए जो दवाई दी जा रही है वो भारी खेप में भारी मात्रा में यहाँ पे घाटी पे 4 दिन से बिखरी हुई पड़ी है, जिसकी सूचना छिपाबड़ोद चिकित्सा टीम को दे दी गई है। उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पे पड़ी हुई है जो एक्सपायरी डेट की भी नहीं है। अब इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि ये दवाएं किस क्षेत्र की है। पीतपुर ANM ने मना करने के बावजूद अगला कदम ये रास्ता झंझनी जाता है, लेकिन झंझनी वाले अभी इस बात से वाकिफ नहीं है कि आखिर